चलिए भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर कितना है भाई, 196 न्यूटन है, और जी का मान कितना दिया इसमें, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें द्रव्यमान बताना है। तो देखो इसमें वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी हमें एम बताना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है भाई, द्रव्यमान। उसके बाद में पृथ्वी पर, पृथ्वी पर वस्तु का भार यानी डब्लू, बताओ मान कितना है। तो यहां पे देखो कितना है भाई, यहां पे देखो 196 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, बताओ जी का मान कितना है। तो यहां पे देखो कितना दे रखा है, यहां पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बताना क्या है हमें, एम का मान बताना यानी द्रव्यमान बताना है। तो डब्लू बराबर एम इंटू क्या होता है भाई, जी होता है। डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू का मतलब होता है भार। ठीक है, बराबर एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणा जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है भाई, द्रव्यमान ज्ञात करना है यानी हमें एम ज्ञात करना है। तो एम बराबर क्या होता है, डब्लू बटा क्या होता है भाई, जी होता है। ठीक है, तो बताओ इसमें डब्लू का मान कितना है, डब्लू का मान है इसमें 196। ठीक है, बटा जी का मान कितना है, तो जी का मान है यहां पे 9.8। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 20 kg। कितना आएगा भाई, 20 kg आएगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे देखो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, तो एम का जो मान आया वो कितना आया भाई, 20 kg। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अब इसमें क्या बताना है भाई, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें जी का मान बताना है। तो अभी हमने देखा था कि भार, भार बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा क्या होता है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो यहां पे W बराबर m इंटू जी होगा। तो इसका मतलब यही है, गुरुत्वीय त्वरण हमें बताना है। गुरुत्वीय त्वरण हमें बताना है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है, तो भार बटा क्या होता है भाई, द्रव्यमान। भार बटा क्या होता है, द्रव्यमान। तो बताओ भार कितना है, तो भार देखो यहां पे कितना है भाई, 200 न्यूटन है। कितना है, 200 न्यूटन। तो बताओ यहां पे कितना लिखेंगे है, 200 बटा द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान देखो यहां पे कितना है भाई, 20 kg है। कितना है, 20 kg।
तो यहां पे लिखेंगे 20 केजी, ठीक है। जीरो से जीरो को जाने दो, अब बचा क्या अपने पास में 10, ठीक है। अब 10 क्या आएगा, ठीक है, बताना क्या था हमें, गुरुत्वीय त्वरण। तो 10 जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें बताना था। तो इसका मतलब यह है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। अब देखो भाई, बताना क्या है हमें कि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। अब देखो यहां पे मैं बोलूं कि ए के डब्ल्यू एच बराबर कितना होगा, तो ए के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, तो एक यूनिट, ठीक है, कितनी होती है, एक यूनिट। अब मैं पूछूं कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आप कहेंगे कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट कितने दिया इसमें, 100, कितना दिया इसमें 100, 100 यूनिट बराबर एक यूनिट में जूल कितने होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, गुणा यूनिट कितना दिया है, तो 100, तो यहां पे कितना लिख देंगे भाई, 100 लिख देंगे, तो बराबर 3.6 गुणा 10 की घात कितना लिखेंगे, तो 10 की घात कितना लिखेंगे भाई, 8, 8 आगे जूल, ठीक है। तो संख्या क्या आई अपने पास में, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जूल अपने पास में संख्या आई है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे देखो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो बताना क्या है भाई, अपने को कार्य बताना है, तो बताइए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब बताना क्या है हमें, कार्य बताना है, तो कार्य बराबर बल का मान कितना है इसमें, तो बल देखो यहां पे कितना है भाई, 50 न्यूटन, कितना है 50, आगे किसका साइन भाई, गुणा का। विस्थापन कितना है, तो विस्थापन देखो यहां पे कितना है भाई, 10 मीटर, ठीक है। तो बराबर में बताओ कितना लिखूंगा, तो बराबर में आ जाएगा ये अपने पास में 500। अब 500 क्या आएगा, 500 आएगा अपने पास में न्यूटन मीटर, ठीक है, या 500 जूल, ठीक है, 500 न्यूटन मीटर या फिर 500 जूल। देखो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, क्या होता है, जूल। प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है इसका जे। उसके बाद में देखो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है भाई, विस्थापन, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में विस्थापन, विस्थापन का होता है मीटर, क्या होता है, मीटर होता है, इसीलिए यहां पे जो 500 न्यूटन मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 500 न्यूटन मीटर नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, 500 जूल होगा, ठीक है। तो यहां से ये जूल होगा और यहां से ये न्यूटन मीटर होगा, ये मैंने आपको यहां से
बता दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है, तो यहां पे देखो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। अब देखो यहां पे है एक वर्ष, अब बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 गुणा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 गुणा एक घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 60 गुणा एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 गुणा प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर होती है, ठीक है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे जो संख्या होगी वो 9.46 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15, ठीक है, मीटर, ठीक है। प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, जनरली अगर क्वेश्चन पूछे तो प्रकाश की जो चाल होती है तो कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है, तो यानी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक वायुमंडलीय दाब बार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे पूछा किसके लिए है, एक वायुमंडलीय दाब के लिए पूछा है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, या फिर एक वायुमंडलीय दाब में कितने बार होते हैं, तो 1.01325 बार होते हैं, बराबर 10.3 मीटर, तो ये हो जाएगा पानी की ऊंचाई। उसके बाद में 760 मीटर, पारे की ऊंचाई, पारे की ऊंचाई, उसके बाद में 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक वायुमंडलीय दाब कितने बार के बराबर होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.01325 बार होते हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो माइक्रोन
बटा क्या होता है भाई? एंगस्ट्रॉम। माइक्रोन का मतलब क्या होता है? तो 10^-6। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10^-10। आप बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 10^ कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 1 माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? तो 10^4 मीटर होता है। ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता वो कितना होता है? तो 10^-10 मीटर होता है। ठीक है, बराबर एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो 10^-10 होता है, गुणा। अब देखो बताना किसमें है? माइक्रोन में बताना है। ठीक है, यहां भी माइक्रोन है, यहां भी माइक्रोन, यहां भी माइक्रॉन और यहां भी माइक्रोन। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछता कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है तो फिर कितना बताते? 10^-10 मीटर बताते। ठीक है, लेकिन बताना किस में भाई? माइक्रोन में बताना है। तो माइक्रोन का मतलब क्या होता है? तो माइक्रोन का मतलब होता है 10^6, 10^-6। ठीक है, तो बराबर कितना होगा? तो बराबर में होगा 10^-4 माइक्रोन। अब बताओ यह संख्या कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है। तो देखो भाई, एक माइक्रोन का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था कि एक माइक्रोन का मतलब क्या होता है? तो 10^-6 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां ऑप्शन में है MM, यहां भी MM और यहां भी MM और यहां भी MM। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो यहां पे देखो माइक्रोन, माइक्रोन यानी मिली के लिए पूछा है, तो मिली के लिए पूछा है, तो मिली का मतलब क्या होता है भाई? 10^-1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 10^-3 का जो 3 होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1/ कितना होता है भाई? 1000 होता है। कितना होता है? 1/1000 होता है। तो बताओ 1/1000 कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी होती है भाई? तो देखो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति या फिर चाल, प्रकाश की गति या चाल निर्वात में, किसके लिए पूछे भाई? निर्वात में तो कितनी होती है? तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.00×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो प्रकाश की जो चाल होती है, जो प्रकाश की गति होती है, वो कितनी होती है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर पूछे पानी में,
पानी में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 2.25 गुणा 10 की घात कितना भाई? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछे कांच में, कांच के लिए पूछे तो कांच के लिए बताना आपको 2.00 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में अगर पूछे रॉक सॉल्ट, तो 1.96 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तार पिन के तेल में कितना होगा? 2.04 गुणा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन के लिए पूछे तो नायलॉन में कितना होगा भाई? तो नायलॉन में होता है 1.96 इंटू 10 की पावर कितना भाई? 8 और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब प्रकाश की गति के लिए पूछा था, तो प्रकाश की जो गति होती है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और पानी के लिए पूछे कि पानी में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में फिर पूछे कांच में प्रकाश की गति क्या होती है? तो कितना होती है भाई? 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। रॉक सॉल्ट में पूछे तो कितना बताना है? तो 1.96 इंटू 10 की पावर कितना है भाई? 8 मीटर प्रति सेकंड। तार पिन के तेल के लिए पूछे तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन के लिए पूछे तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है?